गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो हमारा सेशन है वो शेयर फोर्स के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट शेयर फोर्स पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और हम लोग एक जो रिलेशन होते हैं, ठीक है, लोड वर्सेस शेयर फोर्स में, जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में रिलेशन होते हैं उस रिलेशन को भी ड्राइव करेंगे। उसके अलावा हम लोग कुछ स्पेशल केसेस को देखेंगे, कैंटिलीवर बीम पे अगर सर्टेन लोडिंग है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा, तो इन चीज़ों को आज हम लोग को देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं शेयर कर दूँ स्क्रीन को, तो नोट्स आप लोग कर रहे हैं। नोट्स कितने लोग बना रहे हैं? नोट्स बन रहा है सबका? तो आज हम लोग यूनिट 3 में हैं। चलिए, सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर। ओके, तो देखिए अभी हम लोग क्या देखे थे लास्ट क्लास में, क्या देख रहे थे कि हमारा शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, सॉरी बेंडिंग मोमेंट क्या होता है पहली बात। तो इन चीजों के बारे में हम लोग बेसिकली थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार और कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का फिर से देख लेते हैं कि एक्चुअली हम लोग को यहाँ क्या करना है। तो ये जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये सब क्या है आपका, ये सारा चीज जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि जो बीम के द्वारा आपको वर्टिकल लोडिंग के एंगल्स में सब क्या हो रहा है उसमें आ रहा है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया था, सपोज हमारा एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्योंकि इसमें एक जो उसका सपोर्ट है वो हिंज है और एक सपोर्ट का रोलर है, तो इस तरह के बीम को हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। तो इसमें मैंने आपको इसके रिएक्शंस के बारे में बताए थे, ठीक है, और ये रोलर है इसके, इसमें कितना रिएक्शन है वो बताया था। तो इस तरह से यहाँ पे आपको एक रिएक्शन भी लग रहा है, दिखा रहा है इस फिगर में, प्लस एक लोडिंग लग रही है यहाँ पे पी, जो कि सेंटर पे लग रहा है। तो हम लोग को इस केस में एनालाइज करना था कि शेयर फोर्स किसी सेक्शन पे कितना होगा। तो एक चीज हम लोगों ने किया था पहले कि रिएक्शंस निकाल लिए थे। रिएक्शंस किसके थ्रू निकाले थे, कि क्या चीज से निकाले थे हम लोग सब रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, सारा रिएक्शन निकाल लिया। ये तीनों का यूज हम लोग करेंगे और ये क्वेश्चन से हम लोग को जो आपका रिएक्शन चाहिए वो मिल जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया था कि शेयर फोर्स और जो बेंडिंग मोमेंट है ये किसी सेक्शन पे किस तरह से लगता है, इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं पहले कि ये SX कैसे लग रहा है, MX कैसे लग रहा है, ठीक है। तो ये एक सेक्शन पे हम लोग इसको फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू करके देख लेंगे आप लोगों ने, ठीक है। आइए, एक चीज और आपने देखा था कि साइन कन्वेंशन क्या चीज होती है, साइन कन्वेंशन के बारे में आपको बताया था वेरी डिटेल में, आप लोगों ने इसको डिस्कस किया था। फिर ये तो शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन है और बेंडिंग मोमेंट का भी साइन कन्वेंशन हमने कल आपको दिखाया था, जो ये था, ठीक है। ये चीज हम लोग समझ चुके हैं कि इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग रिएक्शन तक पहुंच गए हैं, अब हम लोग सेकेंड स्टेप में चलते हैं कि शेयर फोर्स हम कैसे निकालेंगे किसी भी सेक्शन पे। तो शेयर फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मान लीजिए हमारा SX निकालना है, तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सा शेयर फोर्स का फॉर्मूला, सिंपल सा शेयर फोर्स का डेफिनेशन यूज करना है, एंड दैट इज शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन XX इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल लोड्स रिएक्शंस इधर लेफ्ट और राइट टू द सेक्शन XX, किसी भी सेक्शन जहां पे आपको लेना है उस सेक्शन के इधर राइट इधर लेफ्ट, तो मतलब किसी एक तरफ आप कैलकुलेट करेंगे, किसी एक तरफ, दोनों को नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ सेक्शन के एक तरफ जाना है। तो एक तरफ जाएंगे तो हमारा जितना भी कैलकुलेशन होगा वर्टिकल फोर्सेस वर्टिकल रिएक्शंस सबको समेशन करेंगे, तो हमारा जो फोर्स आएगा इस सेक्शन पे
जो शेयर फोर्स आएगा सेकंड, वही उसका शेयर फोर्स निकल के आ जाएगा, जो आपको वर्टिकल यहाँ दिख रहा है इंटरनल रिएक्शन की तरह, देखिए यहाँ पे एस एक्स दिख रहा है। हम लोग सिंपली क्या करना है, ये एक्स एक्स के लेफ्ट साइड में जितना भी वर्टिकल लोड या तो अपवर्ड जा रहा हो डाउनवर्ड जा रहा हो, रिएक्शन होगा या लोड होगा, सबको क्या करना है, समेशन कर देना है। एक साइन कन्वेंशन मैंने बताया कि जो भी इसमें ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा उसको पॉजिटिव ले लेना है, जो नीचे जाएगा उसको नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। ये हमारा साइन कन्वेंशन कहता है कि अगर सेक्शन के लेफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और सेक्शन के लेफ्ट में अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। इससे क्या होगा, हमारा सोल्यूशन आसान हो जाएगा। इससे हमेशा एक चीज आप माइंड में याद रखिएगा हमेशा, कि सेक्शन के लेफ्ट में जब हम जाएंगे ऊपर पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो निगेटिव, इतना ध्यान रखना है सिंपली। चलिए, तो सपोज ये हमारा जो लेंथ है ये क्या है, एक्स है, तो हमारा एक्स डिस्टेंस पे हमारा ये एस एक्स है, फ्रॉम ए बी से जो है ए है, ए से आपका एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन है। तो हमारा एस एक्स अगर निकालेंगे तो समेशन कर देना है। तो मान लीजिए अगर इसको समेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे है क्या, सिर्फ एक ही आपको आर ए दिख रहा है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, और कोई लोड यहाँ दिख नहीं रहा है, तो एस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, प्लस आर ए हो जाएगा, क्योंकि और कोई लोड नहीं है, और कोई वर्टिकल लोड नहीं है, और कोई रिएक्शन नहीं है, इसलिए एस एक्स इज इक्वल टू प्लस आर ए, और जैसा कि आर ए हमने निकाला हुआ है पी बाई टू, क्लियर है। इसी तरह से हमारा शियर फोर्स उस सेक्शन पे निकल गया। तो ये तो लेफ्ट से हम लोग निकाल लिए, और राइट को करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट से कर रहे हैं तो लेफ्ट से ही करेंगे, राइट को आप भूल जाइए, राइट को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग एक तरफ से निकालते ही आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हमको इस सेक्शन पे बोला, फिर हमको मान लीजिए यहाँ बोलेगा तो इधर जाके निकाल लेंगे, यहाँ जाके निकाल लेंगे, लेकिन लेफ्ट ही लेंगे, आपको राइट से नहीं चलना है। मेरा जो मतलब आइडिया है कि आप हमेशा एक ही तरफ से चलें, दोनों साइड से जाइएगा तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, फिर गलत आ जाएगा, आंसर गलत आने लगेगा, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करना है, हम लोगों को हमेशा लेफ्ट से ही एक्स को लेना है, मतलब ए से एक्स जहां तक जाना चाहिए, पूरे बीम के थ्रू आउट लेंथ में जाना चाहिए, बट लेफ्ट में आप रखिए इनिशियल पॉइंट, वहां से हम लोग एक्स लेंगे। जब भी हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करेंगे तो तब आपका बहुत इजीली ये काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा एस एक्स निकल गया और ये पी बाई टू, और ऐसे ही हम लोग सिमिलरली राइट से करेंगे तो भी हमारा उतना ही आएगा, ठीक है, तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग सिर्फ इसको देख लिए। तो फिर अगर यहाँ भी जाइएगा तो आप देखिएगा कि रिएक्शन और लोड सबको समेशन कर दिया गया, तो राइट साइड में जो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये आपको देख पा रहे हैं राइट साइड में, अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा और नीचे जा रहे तो प्लस हो जाएगा, तो सेम केस यहाँ किया हुआ है, वही निकल गया। चलिए, तो शियर फोर्स का हमारा बेसिक डेफिनेशन यहाँ से निकल के आया, दैट शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इन अ बीम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इंक्लूडिंग द सपोर्ट रिएक्शंस एक्टिंग नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द बीम इधर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन, जो कि आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सिंपली उसको एक भाषा में हम लोग एक लैंग्वेज में हम लोग लिख चुके हैं। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया शियर फोर्स का। चलिए अब बेंडिंग मोमेंट की बात कर लें, उस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट है क्या, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो मोमेंट आपको क्या कर रहा है, बीम को बेंडिंग कॉज कर रहा है, मतलब एक रोटेशन देने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए जो हमारा फोर्स आ रहा है, जो हमारा मोमेंट आ रहा है, जो हमारा रिएक्शन आ रहा है, वही क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट है। तो दिस इज ऑल्सो एन इंटरनल रिएक्शन। तो बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज इंटरनल रिएक्शन अगेंस्ट रोटेशन विच इज इक्वल टू रिजल्टेंट एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस। ट्रांसवर्स फोर्स समझ गए, जो एक्सिस के नॉर्मल लगता है, ठीक है, नॉर्मल फोर्सेस भी बोल सकते हैं ट्रांसवर्स फोर्सेस, अबाउट दैट सेक्शन ईदर कंप्यूटेड फ्रॉम लेफ्ट और कंप्यूटेड फ्रॉम राइट साइड। तो कोई भी एक साइड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हमारा मोमेंट वहां पे आ जाएगा एम एक्स। तो हम लोग मान लीजिए एम एक्स निकालना है, तो एम एक्स को अगर हम फॉर्मुलेट कर लें तो इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल लोड्स इनटू एक्स, एक्स आई मतलब जिधर जहां पे लोड होगा और जो सेक्शन है वहां से जितना डायरेक्शन पे लोड होगा उतना से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जहां भी सेक्शन एक्स एक्स सेक्शन है उससे मान लिया एक मीटर दूरी पे एक फोर्स लग रहा है तो उसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर तीन मीटर पे लग रहा है तो उसको तीन से मल्टीप्लाई करेंगे उसको,
और सबको समेशन कर लेंगे विथ साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे एम एक्स क्या निकलेगा इस सेक्शन पे, तो एम एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्स के लेफ्ट में जाएंगे, देखेंगे कितना हमारा फोर्स लग रहा है और वो कितना मोमेंट देगा, तो समेशन कर देना है। अब मान लीजिए इसके इधर लेफ्ट में देखिए सिर्फ एक ही लोड लग रहा है, वो लग रहा है आर ए, एक ही रिएक्शन लग रहा है, डेट इज आर ए। तो आर ए जो है हम देखेंगे कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, तो आपको पता है कि आर ए को हम लोगों ने माना है ये कितने पे लग रहा है, ये आपको यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मोमेंट होगा एम एक्स होगा वो क्या होगा आर ए इंटू एक्स, और हालांकि ये ऊपर की तरफ इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, ऐसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए हम इसको क्या करेंगे पॉजिटिव लेंगे जो हमारा साइन कन्वेंशन कहता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस आर ए इंटू एक्स। ओके क्लियर है ये बात, समझ गए। देखिए तो यहाँ फिर से हम लोग वही चीज किया है कि एम एक्स इज इक्वल टू दिस इज आर ए एक्चुअली प्लस ए पी बाई टू है आर ए, तो पी बाई टू इंटू एक्स, ये हमारा मोमेंट निकल गया एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट साइड से चलेंगे कैलकुलेट करेंगे राइट साइड से मतलब, तो हमारा फिर वही केस आएगा प्लस पी बाई टू इंटू एक्स। तो या तो हम इधर से कैलकुलेट करें या इधर से कैलकुलेट करें आपका सेम आएगा, समझे। तो हमेशा हमको किधर से चलना है, लेफ्ट से चलना है जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमेशा एक्स जो है आपको लेफ्ट से लेके चलना है, इतना एकदम ध्यान रखना है जो लेफ्ट एंड होगा ये होगा उस, ठीक है। जैसे यहाँ अभी देखिए अगर, हाँ बोलिए, राइट से लेके नहीं जा सकते सर। मैंने कब बोला कि नहीं लेके जा सकते, इधर आपको राइट साइड से दिखाया है ना करके, व्हाट आई एम सेइंग इधर लेफ्ट और राइट, बट व्हाट यू शुड प्रेफर वी शुड प्रेफर कि हम लोग लेफ्ट से चले, इजी रहेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अभी आपका मन में कंफ्यूजन आ गया, आप ये सोचिए मत कि राइट से जाएंगे तो हमारा आंसर कुछ और आएगा, लेफ्ट से कुछ और आएगा, ऐसा कुछ है नहीं, दोनों साइड से हमारा आंसर हो जाएगा। और जा सकते हैं ये क्या सवाल हुआ, अभी मैं बता रहा हूँ कि जा सकते हैं इधर लेफ्ट और राइट, ये तो समझ में आ गया होगा क्या, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ ये होल ये सही बात बोला प्रियांशु, वो सर लेफ्ट से ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो मेरा सपोर्ट रिएक्शन लग रहा है उसको कंसीडर कर रहे हैं, हम तो सेक्शन फोर्स के बाद भी तो ले सकते हैं, फिर वहां से कहेंगे। अरे हमारा मान लीजिए इसी सेक्शन पे पूछ रहा है, बोला कि एक्स डिस्टेंस पे क्या होगा, एक्स डिस्टेंस मेरा यहाँ है, मान लीजिए एक्स यहाँ रहता हम यहाँ पे निकालना होगा, हम क्या करेंगे इधर लेफ्ट से निकालेंगे, कल कुछ और बढ़ेगा तो हमको यहाँ निकालना होगा, यहाँ निकालेंगे तो जहाँ पूछा जाएगा वही ना निकालिएगा क्या। जी सर ये क्यों सोच रहे हैं, अभी क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से निकाले, तो मान लीजिए हमको यहाँ से निकालना हो तो हम x कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक x लेंगे क्या, फिर यहाँ से यहाँ सॉल्व करेंगे p भी आएगा उसमें सब कुछ आएगा, तो कहने का मतलब कि एक तरह से चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी रोड पे जाते हैं आप, वो तो लेफ्ट से भी जाते हैं कभी कभी, मानो तो राइट से भी चले जाते हैं क्या, बट क्या बोलता है लोग कि नहीं लेफ्ट से चलिए ताकि क्या, उस तरह की चीज है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मेरा अपना एक प्रेफरेंस है कि हमेशा लेफ्ट से जाने पे कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक चलिए अभी एक और चीज आ रही है कि रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स एंड रेट ऑफ लोडिंग, ये भी आपको कभी कभी पूछेगा, चार नंबर या छह नंबर में सब पूछेगा। तो इसमें हम लोग क्या किए, एक रिलेशन निकालना है, तो हम लोगों ने क्या किया है एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है, ठीक है, वी आर कंसीडरिंग अ सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड विद यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूडीएल कहने का मतलब क्या है, ये जो लोड होगा ए बी जो लेंथ है बीम का उसके थ्रू आउट, ये क्या होगा उसका इंटेंसिटी सेम रहेगा, इंटेंसिटी से मेरा मतलब क्या है लोड अपॉन लेंथ जो है डब्ल्यू पर मीटर लेंथ, तो डब्ल्यू पर मीटर लेंथ मतलब इसका कहिए, जैसे हम अगर बोले आपको 5 kN/m, तो 5 kN/m का मीनिंग क्या हुआ, जो लोड का इंटेंसिटी दे रहा है यूडीएल का इंटेंसिटी दे रहा है, तो एक मीटर में हमारा डब्ल्यू होगा पर मीटर, मतलब हर मीटर में डब्ल्यू लोड होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग को जहां पे भी निकालना होगा तो इस फॉर्मूले से पुट करेंगे और निकाल लेंगे, हमारा एक्स डायरेक्शन पे क्या होगा तो डब्ल्यू इंटू एक्स,
अगर हम कहेंगे वाई डायरेक्शन पे, वाई लेंथ पे क्या होगा, तो डब्ल्यू इंटू वाई, हम जेड पे बोलेंगे तो डब्ल्यू इंटू जेड, जहां भी बोलेंगे हमको सिंपली क्या करना, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने कर देंगे और हमारा लोड निकल जाएगा, समझे कुछ। अगर हम इस बोलेंगे आपको कि यहाँ पे लोड कितना होगा एक्स तक में, आप क्या कीजिएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स कर देंगे, डब्ल्यू इंटू एक्स करेंगे तो हमारा निकल जाएगा ना, यहाँ ये टोटल लोड है यहाँ पे, तो ये आप कर सकते हैं, यही होता है यूडीएल। चलिए तो हमने एक यूडीएल मान लिया है ताकि हम लोग एक रिलेशन निकाल पाए। तो आइए, तो सपोज हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि एक बीम है जिसे यूडीएल लग रहा है, और एक मान लेते हैं कि छोटा सा एलिमेंट पे एनालाइज करते हैं, छोटा सा पार्ट के लिए डेल एक्स, तो लेट एट डिस्टेंस एक्स देर इज डेल एक्स, डेल एक्स एक एलिमेंट मान लिए हैं और इस पे हम लोग एनालाइज करना चाह रहे हैं कि कैसे फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स लग रहा है, कैसे लोड लग रहा है, उसी हम लोग एनालाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। लिख दिया कंसिडर द बीम ए बी इज सब्जेक्टेड टू एन यूडीएल, ठीक है, लेट एन एलिमेंटल लेंथ डेल एक्स at a distance x from left support to find the relation between s shear force m bending moment and load w। तो यहाँ पे जो s दिख रहा है आपको shear force है, m क्या है आपको bending moment है, और w क्या है load intensity per meter। तो चलिए FPD बनाएं, three body diagram बनाएं। तो आपने पहले भी देखा था इसको जब हम किसी section को cut करते हैं तो इस तरह का हुआ फोर्स लगना, इस तरह का इंटरनल रिएक्शन हमको वहां पे दिखेगा, अंदर में शियर फोर्स दिखेगा, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट दिखेगा। तो हालांकि देखिए जो डेल एक्स को हमने कट किया है दोनों साइड से, इसको रिमूव करके देखना है कि इस पे कितना एलिमेंट पे जो डेल एक्स है इस पे कितना शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो एक तरह से देखिएगा कि दोनों साइड में देखिए एक्स इधर लग रहा है तो एक एक्स इधर, क्योंकि ये डेल एक्स है, ठीक है, थोड़ा चेंज हुआ है, तो हालांकि यहाँ पे एक ही सेक्शन नहीं है, ये क्या हो गया छोटा सा डिफरेंस है, मतलब डेल एक्स डिस्टेंस हो गया, मतलब ये डिस्टेंस एक्स है, ये एक्स प्लस डेल एक्स है, तो दोनों अलग अलग हो गया, इसलिए थोड़ा सा क्या होगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का चेंज होगा। मतलब चेंज कितना हो गया, जैसे मान लिया हमने यहाँ एस है तो यहाँ पे एस प्लस डेल एस है, मतलब डेल एस थोड़ा चेंज है, मतलब इस फेस पे जितना होगा शियर फोर्स इस फेस पे थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, कम है ज्यादा है जो है मानना है, तो डेल एक्स चेंज है। यहाँ पे m है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि m प्लस डेल m, तो ये हमने सपोज कर लिया। एक चीज और देखेंगे कि ये जो सेक्शन है जो फेस वन वन दिख रहा होगा आपको ये वाला, तो इस फेस पे देखिएगा कि हमारा जो अगर इस फेस को कट करके देखे हैं इधर, तो यहाँ पे सेम सेम सब कुछ दिख रहा ना, सेम एंड अपोजिट, और फिर इसको कट करके एक ही सेक्शन को देखिएगा तो हमारा सेम आया, क्योंकि एक सेक्शन पे हमेशा आपको इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इक्विलिब्रियम बनाने के लिए वहाँ पे सेम नेचर का शियर फोर्स, सॉरी सेम मैग्नीट्यूड का शियर फोर्स रहेगा और सेम अपोजिट डायरेक्शन का रहेगा, जैसे यहाँ देखिए वो ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है इस तरह। तो ये तरीका है, अगर हम किसी सेक्शन में काट के देखना चाहते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं, ये समझने की बात है, अदरवाइज कैलकुलेशन करते हैं ना जब हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना होता है तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो एलिमेंटल लेंथ आपको दिख रहा है डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स में देखिएगा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम लोगों को सपोज कि यहाँ से हम लोगों को इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है डेल एक्स दिख रहा है आपको वो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में है, तो उसको लिए उसके लिए हमको एक रिलेशन निकालना है। तो सपोज समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो करना है, कर दिया हमने, तो ये जब जीरो कर देंगे तो देखिएगा इस पर फोर्स क्या क्या लग रहा है, तो फोर्स क्या क्या लग रहे हैं देखिए, ऊपर नीचे देख लीजिए, इसमें वर्टिकल फोर्स क्या लग रहा है देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए एस लग रहा है नीचे, ठीक है, एस हमने लिख दिया, सॉरी अगर ये एस प्लस एक्स डेल एक्स देख रहे हैं, चलो ठीक है एस प्लस डेल एक्स, इसको मैं पॉजिटिव माना कि ऊपर लग रहा है, एस को मान लिया निगेटिव क्योंकि नीचे लग रहा है, और माइनस एक और चीज को नीचे लग रहा है, वो क्या लग रहा है नीचे, हाँ उसका वेट होगा, इसका ये क्या है जो डेल एक्स आपको दिख रहा है, सॉरी जो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं इसको, इसके कारण क्या होगा यहाँ पे
लोड आएगा, तो इसका लोड कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे लोड लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा लोड का वहां पे लगेगा। तो ये लोड जो होगा, हाँ तो ये लोड जो होगा कितना हो जाएगा, W जो इंटेंसिटी है इंटू डेल एक्स, ठीक है, वही हमने यहाँ पे W इंटू डेल एक्स कर दिया है। तो ये तो आपका इसके कारण हो गया जो लोड होगा, एक आपका एस के कारण हो गया और एक इसका लोड के कारण हो गया। इसके अलावा कोई यहाँ पे लोड है, कोई यहाँ पे लोड जो लग रहा हो, कोई नहीं है, क्योंकि मोमेंट जो है उसको आप लोड में काउंट नहीं करेंगे, वो क्या होगा, वो अलग है, वो मोमेंट है, तो उसको मोमेंट में काउंट करेंगे। और जब भी सी एफ फोर्स निकालेंगे तो ओनली हम लोग वर्टिकल और जो डायरेक्शन में जो है अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी लोड हो गया रिएक्शन हो गया उसको काउंट करना है। तो हमारा एक इक्वेशन बन गया इससे। तो इसको अगर और फर्दर सॉल्व कीजिएगा, हाँ सर बोल रहे थे कि यहाँ पे जो मतलब कि डेल एक्स लिए थे इससे, डेल एक्स टू नहीं लेना चाहिए डेल एक्स बाय टू ना सर, क्या कि उसके सेंटर पे लगेगा तो इसका आधा होगा सर, मोमेंट है ना निकालना, दिस इज नॉट मोमेंट, दिस इज लोड। क्या बताया मैंने कि लोड इज यूडीएल जो होता है वेट पर मिनट लेंथ, है ना। तो हम लोग क्या किए, डब्ल्यू इंटू डेल एक्स कर दिए, तो वेट निकल गया। हमको वेट चाहिए, लोड चाहिए, हमको मोमेंट नहीं चाहिए। जब मोमेंट निकालेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेल एक्स अपॉन टू से, क्योंकि ये डेल एक्स अपॉन टू पे एक्ट करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ सिंपली लोड की बात करें, और ये कंफ्यूजन जो है 100% लोगों को आता है, जो अभी आपको आया है, ये गलती करके हम लोग हमेशा एग्जाम में आ जाते हैं, समझे, ये नहीं करना है, नहीं तो गलत आ जाएगा आंसर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करिए, एस एस कट गया, ठीक है, तो डेल एस अपॉन डेल एक्स जो हमारा आया ये डब्ल्यू आ गया, एकदम इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। ये आपका क्या है, एक रिलेशन बन के आ गया। अगर हम इसको, ठीक है, अगर हम इसको लिमिटिंग केस में देखेंगे, जैसा कि मैथमेटिक्स में करते थे, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता था वो क्या हो जाएगा आपका, ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा डी एस अपॉन डी एक्स बराबर डब्ल्यू। मतलब ये हुआ कि अगर हम शियर फोर्स को का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या देगा आपको, क्या देगा, लोड देगा, लोड इंटेंसिटी दे देगा, है ना, डब्ल्यू दे देगा, ठीक है। और देखिए, तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया, यही आपका इक्वेशन हो गया, एक रिलेशन ही पूछा जाता है कि लोड वर्सेस शियर फोर्स का, ये हो गया। अगर मान लीजिए फिर इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा बताइए, सपोज हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू इंटू डी एक्स होगा क्या। तो इससे एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगा, मतलब हो जाएगा अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब एरिया निकाल रहा है, तो लोड का जो जो शियर जो लोड का, जब आप शियर फोर्स पढ़िएगा तो देखिएगा कि उसका जो लोड डायग्राम है उसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे तो हमारा शियर फोर्स आ रहा है, क्योंकि लोड वो चीज समझेंगे, चलिए ठीक है, उसका भी नहीं समझना। तो डी एक्स अपॉन डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये याद रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सोच रहे हैं कि एक रिलेशन निकालने का, मोमेंट का और शियर फोर्स के बीच का एक रिलेशन निकालने का सोचेंगे। हमको कुछ नहीं करना है, टेकिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, तो एक जो आपका जो लेफ्ट का फेस है, ठीक है, इस फेस के अलोंग जो उसका पार्ट है, इस फेस के अलोंग हमको एक ले लेना है, क्या मोमेंट ले लेना है। तो आप देखिए कि इस फेस के अलोंग हम लोग को मोमेंट लेना है, ये ठीक है, ये एक्स एक्स है। तो अगर मोमेंट लेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देखिए एक मोमेंट यहाँ लग रहा है, ठीक है, एक लोड यहाँ लग रहा है, एक आपका मोमेंट यहाँ इधर से इधर लग रहा है, मतलब एम प्लस डेल एम जो है, और एक आपको शियर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है एस प्लस डेल डेल एस, ठीक है। एक और चीज आप देख रहे होंगे, डब्ल्यू इंटू एक्स जो है टोटल इसका लोड है, और ये लोड कहाँ पे लग रहा है, डेल एक्स बाय टू, डेल एक्स बाय टू इधर से भी। तो हमको क्या चाहिए, इस सेक्शन के लॉन्ग चाहिए, इस सेक्शन के लॉन्ग जो भी होगा हम यहाँ से डिस्टेंस लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे लोड को, हमारा मोमेंट आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी जो मोमेंट यहाँ लग रहा है, और ऑलरेडी मोमेंट जो यहाँ लग रहा है उसको लिख लेते हैं।
तो ये मोमेंट को हम लोग मान लीजिए, ठीक है, इसको क्या है हमारा, इधर से एक मोमेंट लग रहा है आपको और एक ये लग रहा है, ठीक है, तो एक इसी पे एक मोमेंट लग रहा है मान लीजिए, आपको देखिएगा तो इस तरह से एक मोमेंट इसी पे आ रहा है जो एम लग रहा है ना। तो इस मोमेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक लिख लेंगे, तो ये हमारा और ये देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा होगा, तो इसको हम लोगों ने माइनस एम लिख दिया है, और एक जो आप ये देख रहे हैं इसको, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं प्लस में, प्लस डेल एम, तो एक आपको ये मोमेंट लिख दिया हमने और एक आपको ये मोमेंट लिख दिया ये वाला, तो ये तो हो गया क्योंकि मोमेंट लग रहा है तो उसको हमने काउंट कर लिया। अब लोड के कारण क्या क्या लग रहा है, देखिए एक हमारा ये लोड है जो आप देख पा रहे हैं डेल सॉरी एस प्लस डेल एस, तो इस ये कितने पे लग रहा होगा टोटल, क्या यहाँ से यहाँ तक डेल एक्स है ना, डेल एक्स, तो इसको क्या किया डेल एक्स, ये देखिए यहाँ पे डेल एक्स होगा, ये गलती से हुआ है, ये क्या हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा, तो इसको हम लोगों ने डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक मोमेंट आ गया, तो ये इस तरह का मोमेंट है इसलिए हमको फिर पॉजिटिव मिली है। जो मोमेंट ऐसे आएगा नीचे की तरफ, ठीक है, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा था तो माइनस, नीचे की तरफ आएगा तो इसमें माइनस, तो डब्ल्यू डेल एक्स ये कितने पे लगेगा, अभी बोला था अभिषेक कितने पे लगेगा डेल एक्स बाई टू के, क्योंकि ये एक तरह का क्या है दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, रेक्टेंगल में हमारा जो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे कहीं लाइक करेगा, तो इसको हम लोग डेल एक्स इंटू टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही हमने किया है डेल एक्स बाई टू, तो ये मोमेंट आ गया इस लोड का, तो इस लोड का मोमेंट ये आया और ये हालांकि नीचे जा रहा है इसलिए इसको हम लोग माइनस लिख रहे हैं, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे, तो माइनस एम प्लस डेल एम प्लस एस इंटू ये क्या हो जाएगा, इसको एक्स बोलना है हम लोगों को, ठीक है, गलती से लिखा हुआ है ओके, और ये हो जाएगा आपको डेल एस इंटू डेल एक्स हो जाएगा, है ना, यहाँ अगर देखिएगा तो ये डेल एक्स होगा, ठीक है, थोड़ा चेंज होगा ये। उसके बाद देखिए माइनस डब्लू डेल एक्स स्क्वायर अपन टू, तो एक चीज और आप सुनते होंगे कि जब हम लोग बहुत ही छोटा वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे या छोटा वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो गया, तो इसको हम लोग क्या करें जनरली निग्लिजिबल मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा हम लोग डेल एक्स को बहुत छोटा मान रहे हैं, तो हालांकि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है इसलिए हम इन दोनों को निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो खा जाइए इसको मतलब हटा दीजिए, तो हमारा ये कट गया ये कट गया, तो बचा क्या डेल एम प्लस डेल सॉरी एस डेल एक्स बचा, तो हमारा ये एक्स हो जाएगा, ठीक है, हमारा ये एक्स हो जाएगा और हमारा डेल एम अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस एफ आ गया, तो हमारा ये क्या है इसको इसको भी एस लिख दीजिए, एफ मत लिखिए, इतना गलती कैसे हो रहा है, ये एस है ना ये वाला ये आ जाएगा, तो डेल एम अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस एक्स एस हो गया, और इन लिमिटिंग केस व्हाट वी कैन डू चेंज एक्स टू टेंस टू जीरो, तो डी एम अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एस, मतलब हमारा जो चेंज निकल जो रिलेशन निकल के आया कि अगर हम लोग मोमेंट को डिराइव करेंगे तो हमारा सी एल फोर्स आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा सर। तो हाँ, सर पहला जो बेंडिंग मोमेंट लिए थे वहां पर वो भी तो सर प्लेन के अलोंग सैगिंग कर रहा था, आप उसको नेगेटिव कह ले लिए, ये तो सर प्लेन के अलोंग सर जो एम एम बेंडिंग मोमेंट है वो तो सर सैगिंग हो रहा है ना, आप यहाँ पे ठीक है, हाँ तो हम लोग क्या है यहाँ पे आ गए, ठीक है, इस लाइन पे आए, अब हम लोग इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि एक्स पे अगर हम देखेंगे तो लोड कुछ ऐसा लोड घूम रहा है, तो जो ये लोड घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आएगा उसको हम लोग क्या ले रहे हैं क्लॉकवाइज वाले को निगेटिव ले रहे हैं, मतलब जो हमारा जैसे ये है डब्ल्यू क्या दे रहा है, डब्ल्यू आपको इस तरह से रोटेट करवा रहा है ना, करा रहा है, ये हम कैसे रोटेट कराएगा इसको, इस तरह से रोटेट कराएगा, तो इस तरह से जो रोटेट करेगा उसको हम लोग निगेटिव मान के चल रहे हैं, और ऐसे जो रोटेट कराएगा उसको हम लोग पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ये उल्टा जा रहा है और ये आपको डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसलिए अभी मान लीजिए इस तरह कंडीशन हम लोग यही देख रहे हैं, ये आप जब बीम का सॉल्व कीजिएगा तो वहां पे ये कंडीशन नहीं आ रहा है, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हुए हैं,
और दोनों तरफ से लोड लेके चल रहा है। तो ऐसा जब कंडीशन आएगा तो आप हमेशा इसको क्या है, मोमेंट को देखिएगा। ये अगर मोमेंट मान लीजिए इस तरह से लगता, हम लोग उसको क्या लेते हैं, प्लस लेना पड़ता, समझे। ये अगर मान लीजिए ऐसे लगता तो हम इसको प्लस लेते। चलिए इसको हम लोग का एक रिलेशन निकल के हम लोग पास आ चुका है। तो हमारा रिएक्शन आपको समझ में आ गया क्या आया है? तो इसी को हम लोग क्या है, एक चीज यहाँ माइनस लिख रहा हूँ, डायरेक्शन, ठीक है, माइनस मिलेगा। तो एक अब यहाँ देखिए बड़ा, अब हम लोग बोले कि हमारा दो चीज यहाँ से निकल गया इस रिलेशन से, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू द लोड इंटेंसिटी। याद रखना है ये ऑब्जेक्टिव में एकदम पूछेगा ही पूछेगा आपको 100%, ये हर बार आता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, लोड इंटेंसिटी, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, तो ये नाम आएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। तो ये दो आपको जो है एकदम ध्यान में रखना है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स बोला जा रहा है तो वो लोड इंटेंसिटी के बराबर होगा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट बोल रहा है तो वो शियर फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। ये आपको रिलेशन प्रूफ करने के लिए भी आएगा, तो हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अच्छे से इसको लिखेंगे नोटबुक में अभी, और उसी तरह से हम लोग एग्जाम में भी लिखेंगे। और ये आपका चार नंबर या छह नंबर यही तो आता है आपके यहाँ, तो ये पूछेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में समझते हैं, ये क्या चीज है। तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या चीज है, ठीक है, इसके बारे में समझना है। तो डायग्राम से सुनने में क्या मिल रहा है, एक तरह का कुछ ग्राफ होगा क्या, है ना, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, शियर फोर्स ऑफ या क्या बेंडिंग मोमेंट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू क्या, किसके रेस्पेक्ट में उसका वेरिएशन करेगा। शियर फोर्स तो एक मेरा पैरामीटर हो गया, मान लीजिए एक तरफ शियर फोर्स होगा, दूसरे तरफ क्या होगा, शियर फोर्स डायग्राम में दूसरे तरफ क्या होगा, किसके अलोंग हमको देखना है वेरिएशन, किसके अलोंग हमको शियर फोर्स देखना है, एक्सिस के अलोंग लेंगे ना, बीम है हमारा, ठीक है, बीम है। तो एबी के अलोंग जो है ए से लेके बी तक अगर हम जाएंगे, मान लो तो ए से चला बी तक जाना है, तो ए से बी तक अगर जाएंगे तो हमको हर जगह थोड़ा ना थोड़ा ऊपर नीचे वेरिएशन दिखेगा, ठीक है, हर जगह शियर फोर्स कुछ ना कुछ अलग दिखेगा, कुछ ना कुछ अलग दिखेगा, कहीं सेम भी दिख सकता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वेरिएशन है, शियर फोर्स क्या है, हर जगह चेंज हो रहा है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ठीक है, जो लोड्स वहां पे लग रहे हैं उसके कारण क्या है, शियर फोर्स कहीं ज्यादा कहीं कम हो जा रहा है। तो हमारा शियर फोर्स जो है कहाँ पे कम लग रहा है, कहाँ पे ज्यादा लग रहा है, ये देखना है। तो ये वेरिएशन कहाँ से पता चलेगा, तो हम क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि शियर फोर्स का वेरिएशन अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम क्या है, अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, समझे। तो हमारा एक और पैरामीटर क्या हो गया, अलोंग द लेंथ, मतलब हमारा लेंथ एक पैरामीटर है, ठीक है, मतलब एक हो गया आपका बीम का जो स्पान है, जो डायरेक्शन होता है लेंथ का, उसके अलोंग हम शियर का वेरिएशन देखेंगे, शियर फोर्स का वेरिएशन, बेंडिंग मोमेंट का भाई वेरिएशन देखेंगे। तो जो सेक्शन है उसका जो लेंथ है, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, दैट इज द पोजिशन, ठीक, पोजिशन बोल सकते हो आप, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। तो ये पोजिशन हो गया, मतलब ए के बाद मान लो एक्स मीटर पे हमारा क्या होगा शियर फोर्स, ठीक है, ए के बाद मान लीजिए 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 2.5 1.5, तो क्या होगा हमारा शियर फोर्स। तो ये क्या है आपका पोजीशन हुआ, जब भी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं किसी एक एंड से तो हम क्या बोले पोजीशन, तो उस पोजीशन पे हमारा शियर फोर्स क्या होगा। तो अगर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शियर फोर्स डायग्राम अवेलेबल है तो वी कैन इजीली क्या रीड कर लेंगे हम लोग, उसका क्या अमाउंट है, क्या क्वांटिटी है, कितना शियर फोर्स वहां लग रहा है, कितना किलो न्यूटन शियर फोर्स लग रहा है, कितना किलो न्यूटन मीटर हमारा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो अगर इसका डेफिनेशन बेसिकली देखें तो एक डायग्राम शियर फोर्स की अगर बात करें, शियर फोर्स इज अ डायग्राम इन विच और ग्राफ इन विच द ऑर्डिनेट
y axis represents shear force and the abscissa, that is x axis, represent the position of the section is called shear force diagram. वो चीज है. अगर BMD की बात करेंगे तो डायग्राम इन हिज द ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट बेंडिंग मोमेंट एंड एब्सिसा रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड BMD, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो आपको ये बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है, समझिए SFD BMD ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आप एक सिविल इंजीनियर है. तो ये चीज आपको हमेशा इसको एकदम इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको आना चाहिए. और जितना बात मैंने अभी बताया आपको वो सब याद रखना है जो पीछे अभी बताया मैंने. दैट इज द बेसिक थिंग. साइन कन्वेंशन बहुत बेसिक है, उसका हम लोग कैसे मोमेंट ले रहे थे, ठीक है, कैसे हम लोग शियर फोर्स को निकाल रहे थे, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज जो है आपको इम्पोर्टेंट है. ठीक है, देखिए वो क्या कंडीशन था, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर का क्या कंडीशन था, जब कोई बॉडी पे शेयर लग रहा था किस तरह से शेयर लग रहा था, शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे थे हम लोग वहां पे, तो शेयर स्ट्रेस किस तरह से लग रहा था कि वो किसी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे शेयर फोर्स लग रहा था, कुछ ऊपर लग रहा था और नीचे, तो एक डिस्टेंस पे लग रहा था, तो उस डिस्टेंस को बैलेंस करने के लिए हमारा शेयर फोर्स शेयर स्ट्रेस आता था, टेंजेंशियल फोर्स जो आता था वो, ठीक है. अभी मान लीजिए हमारा क्या है, एक सेक्शन पे हमको दिखना है और किसी एक सेक्शन पे जा रहे हैं, उस सेक्शन पे देख रहे हैं वहां पे, तो ऊपर नीचे दिख रहा होगा ना, जैसे हम किसी एक को कट करके आपको दिखा रहे थे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे उस तरह कॉन्सेप्ट नहीं आएगा क्योंकि इसके बीच में कोई डिस्टेंस यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है. तो यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोड लग रहे हैं, यहाँ पे कोई टेंजेंशियल लोड नहीं लग रहा है. तो याद रखना है कि वो कब आएगा, जब किसी बॉडी पे टेंजेंशियल लोड, टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा हो, तभी हमारा उस तरह का केस आएगा, ठीक है. बॉडी पे क्या होता था, अगर आपको याद होगा तो वहां पे क्या था कि इस तरह का, मान लीजिए हमारा इस तरह का कोई सेक्शन होता था, इसके ऊपर क्या लोड लगता था, टेंजेंशियली लोड लगता था ऐसे, इसके कारण क्या है हमारा वो केस बनता था. तो यहाँ तो वो चीज नहीं है. आगे बढ़िए, तो ये हमारा SFD BMD अगर पूछा है आपको डेफिनेशन लिखने के लिए, तो ये सब आप लिख सकते हैं. एक चीज और यहाँ अगर जाने की, ये हम लोगों को क्या बतलाता है SFD BMD से, हमको क्या पता चलेगा, तो हम लोगों को क्या पता चलेगा इससे बताइए, किसका आइडिया है आप, बहुत कुछ हम लोग अभी देख चुके हैं, क्या है मतलब इस पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट लग रहा है. कोई एक आदमी बोलेगा तब तो समझ में आएगा, एक आदमी डिसाइड करो. जो लोड इंटेंसिटी लग रहा है सर, उसके कारण वो बीम पर कितना शियर फोर्स जनरेट होगा और कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा. ठीक है, हम लोग क्या पता चलेगा, वैल्यूज एट ऑल पॉइंट्स साइलेंट पॉइंट दैट इज वेयर इज मैक्सिमम मिनिमम, हाँ ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे मैक्सिमम लग रहा है कहाँ पे मिनिमम लग रहा है. प्लस ये भी पता चलेगा उसका नेचर क्या है, मतलब पॉजिटिव है निगेटिव है क्या, इस तरह का पता चलेगा कि नहीं, नेचर ऑफ वेरिएशंस अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम. तो हमारा एक तो मैग्नीट्यूड पता चलेगा जो साइलेंट पॉइंट बोलते हैं, आगे जाके और पढ़िएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट वगैरह क्या होता है वो सब पढ़िएगा, तो कहीं कहाँ पे मिनिमम आएगा कहाँ मैक्सिमम आएगा कहाँ प्लस माइनस ये सब देखेंगे. दूसरा क्या बोलता है कि लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट क्या होता है, वो कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट क्या है, द पॉइंट वेयर मोमेंट चेंजेस इट्स साइन, तो वो चीज कहाँ पे आता है, ये सब कहाँ से पता चलेगा, हम लोग को इस SFD BMD से पता चलेगा. ठीक है, आज एक केस हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग और नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो एक केस आप समझिए SFD BMD का, और इसके बाद आप एक दो केस अपने खुद से ट्राई कीजिएगा. ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को जो पहला हमारा है केस है उसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट फ्री एंड. इस तरह का कोई हमारा बीम है, कैंटिलीवर बीम है, जिसके पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे लग रहा है, ओके, एंड हम लोगों को क्या निकालना है, शियर फोर्स डायग्राम, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, निकालना है, ड्रॉ करना. तो हम लोगों को क्या है कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना चाहिए, सो बताइए हम क्या करेंगे सबसे पहले. सबसे पहले सर लोड का इंटेंसिटी निकालना,
लोड का उसके बाद निकाल के खुद सच देखिए उसके बाद वहां पे फोन की नीचे फोन पे उसके बाद पॉइंट। अब हम बताते हैं आपको करना क्या है, ठीक है? आप ध्यान से सुनिए, आपको यहाँ पे तीन स्टेप करना है, ओनली थ्री स्टेप करना है, ठीक है? आई मीन फोर स्टेप करना है, जनरली फोर स्टेप मान के चलिए, तो चार स्टेप करना है और उसी में आपका हर क्वेश्चन उस इतने स्टेप में बनेगा, चार स्टेप में ही हर को सारा क्वेश्चन आपका इसका बन जाएगा। तो सपोज सबसे पहला केस, इसका ईयरफोन ज्यादा बज रहा है, ठीक है? अभी क्या है, हम लोग एक हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, तो इस बीम पे हम लोग एनालाइज क्या करना चाह रहे हैं कि हमारा सीएफओ का वेरिएशन कैसा है, हम लोग सीएफओ डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। तो हम लोगों को तीन चार स्टेप में काम करना है। स्टेप सबसे पहला हमारा जो होगा वो होगा हमारा पहला कि रिएक्शन क्या होंगे सपोर्ट्स पे, वो निकालना, मतलब सबसे पहला स्टेप का नाम है हमारा रिएक्शन। तो हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, हमको बीम का ये गिवन है, ये चीज हमको पता है कि एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है जिसमें एक पॉइंट लोड लग रहा है, वो कहाँ पे लग रहा है, जो फ्री एंड है वहां पे लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एनालाइज करना शुरू करते हैं कि हम लोगों को एक्स पे क्या होगा। तो एक सपोज कर लेते हैं कि हम लोगों का जो एक्स डिस्टेंस एक्स एक्स है, यहाँ पे हमको निकालना है, यहाँ से एक रिलेशन बनाना है। मान लीजिए हम एक्स पे निकाल लेंगे, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे हम अगर निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फिर एक्स का वैल्यू जैसे कि लोड कहीं वेरिएशन और नहीं दिख रहा है, एक ही लोड दिख रहा है, तो हम लोग एक तरफ से मान लीजिए लेंगे, तो यहाँ से हम लोग एक्स मान लिया तो एक्स निकल जाएगा, तो इसमें एक्स को जीरो पुट करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा, एक्स को एल बाय टू पुट करेंगे तो सेंटर निकल जाएगा, और एक्स को एल पुट करेंगे तो यहाँ पे शियर फोर्स निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक्स में निकाल के चलते हैं ताकि एक इक्वेशन बना लें, शियर फोर्स का इक्वेशन बना लें, एक बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बना लें जिसमें पुट करें एक्स का वैल्यू, हमारा वहां पे निकल के आ जाए उस पोजीशन पे, हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकल के आ जाए। तो हम लोग बेसिकली पहला स्टेप में हम लोग रिएक्शन निकालेंगे, तो सबसे पहले आप रिएक्शन निकाल लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे कि कहां से एक्शन लेना है, क्या करना। तो रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास तीन इक्वेशन है, राइट? समीशन ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो, समीशन ऑफ एफ वाई बराबर जीरो एंड समीशन ऑफ एम जेड इक्वल टू जीरो। हालांकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोगों के पास अगर आर ए आर बी निकालना है तो आर बी तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो आर बी तो है, आर बी क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, है ना? आर बी आपको कुछ दिख रहा है क्या, वहाँ पे कोई लोड नहीं दिख रहा है, तो हम आर ए चाहिए, तो आर ए कैसे निकलेगा? तो यहाँ क्या करेंगे, समीशन ऑफ एफ वाई बराबर जीरो करेंगे, तो जो लोड आपको दिखेगा मान लीजिए आर ए लग रहा होगा, याद है यहाँ पे क्या क्या लगता है, फिक्स एक तरह का सपोर्ट है, किस तरह का ये है, फिक्स है, ये आर ए है, आर बी तो यहाँ कोई रिएक्शन आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो एक आपका लोड यहाँ दिख रहा होगा, बस पी दिख रहा है, ओके? तो यहाँ पे एक मोमेंट आएगा, ठीक है, याद है ना, मोमेंट आएगा सो एक जो यहाँ पे मोमेंट आएगा एम ए जो आएगा यहाँ पे, क्योंकि मोमेंट क्यों आएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है यहाँ पे, इसलिए इस पे मोमेंट आएगा ही आएगा, यहाँ पे एम ए जीरो नहीं होगा, अब समझे, एम ए कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर समीशन ऑफ एफ वाई बराबर जीरो करेंगे तो आप देखेंगे कि एक आर ए लग रहा है ऊपर, ठीक है, तो मान लेते हैं प्लस आर ए, अरे नीचे पी आ रहा है तो माइनस पी बराबर जीरो, तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, है ना, पी, क्लियर है? यस, आर ए बराबर, देखिए यहाँ पर रिएक्शन गलत निकाला हुआ, फिर से इतना मिस्टेक, लेकिन सिंपली सपोर्ट बनाया गया होगा क्वेश्चन, समझे, उस समय लिखा गया होगा, उसके बाद जो है एक गलत आ गया, इसको काट दीजिए, ठीक है, ये चीज नहीं होगा, राइट? यहाँ ओनली क्या होगा, आर ए बराबर टी होगा, और आर भी कुछ नहीं है क्योंकि आर भी तो कोई रिएक्शन है ही नहीं, इसलिए आर ए इक्वल टू पी। तो हमारा आर ए निकल गया, तो एक ही रिएक्शन निकालने के क्या, हमारा एक रिएक्शन है निकल गया और तो कुछ निकालना ही नहीं है, तो रिएक्शन निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है,
ठीक है, एक अगर चाहिएगा आप एमए निकालने के लिए तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन एमए निकालने का आपको जरूरत क्या है, एमए तो हम बेंडिंग मोड से निकाल लेंगे, तो यहाँ सिर्फ आरए की जरूरत पड़ती है, आरए और आरबी, हमारा आरबी ऑलरेडी है नहीं और आरए है, वो निकल गया पी, तो आर ए इक्वल टू पी। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जो हमारा एक इसमें क्या है, कैंटिलीवर बीम जब भी आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ आप सोचिए कि हम लोग क्या करेंगे, एक्स जो है हमेशा फ्री एंड से लेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, पिछली बार ये बोले थे कि हमेशा ए से लेंगे जब सिंपली सपोर्टेड बीम की बात हो, लेकिन जब कैंटिलीवर बीम की बात होगी तो हमेशा आप कहाँ से लेंगे, बी से लेंगे, ठीक ठीक है। माइक्रोफोन सब लोग ऑन सकते हैं, जब भी हमारा कैंटिलीवर बीम होगा तो हमेशा हम उसको फ्री एंड की तरफ से एक्स लेके चलना है, ये भी आप रूल बना लीजिए अपने माइंड में, हमको यही करना है, क्योंकि तो हम बता रहे हैं आपको ये सबसे आसान चीज है, आसान हो जाएगा अगर आप एक्स जो है फ्री एंड से लेते हैं, अगर ए से लेंगे तो आपको फिर दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एम ए ऑलरेडी लग रहा है, फिर उसको अकाउंट करते रहिए हर जगह, तो इसीलिए हम लोग फ्री एंड से लेंगे और हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। तो हमने एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन मान लिया एक्स एक्स, तो हमने कोई भी कहीं भी एक एक्स मान लिया है, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पे, कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये सपोज आर्बिट्रेरी डिस्टेंस है, आर्बिट्रेरी पोजिशन है, हमने एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन मान लिया। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम दो इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, तो स्टेप टू में हमारा एक इक्वेशन निकलेगा, स्टेप थ्री में हमारा एक इक्वेशन निकलेगा, तो स्टेप टू में जो इक्वेशन निकलेगा उसको बोलेंगे हम लोग शियर फोर्स का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ शियर फोर्स। तो इक्वेशन ऑफ शियर फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्स सेक्शन की अलोंग जो हम लोग एनालाइज करेंगे, तो एक्स एक्स से यहाँ पे हम लोग राइट की तरफ बात करेंगे, लेफ्ट पे नहीं जाना है, तो एक्स राइट में जितनी चीजें हो रही हैं उसको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो इसके क्या है, राइट में जाकर हम लोग काम करेंगे। तो आपका जो साइन कन्वेंशन है, एक बार मैं फिर से उसको देख लेता दिखा देता हूँ आपको कि राइट साइड में क्या होता है, देखिए जब इसके राइट में जाएंगे तो जो जो आपको नीचे की तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, जब राइट में देख रहे हैं ऊपर की तरफ उसको निगेटिव ले लेना है, मतलब जो भी फोर्स नीचे की तरफ जाएगा उसको पॉजिटिव, अगर वो राइट की राइट सेक्शन में बोले राइट पे सेक्शन के राइट साइड में, तो जो भी नीचे उसको पॉजिटिव, जो भी ऊपर जाएगा उसको निगेटिव लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप टू में आते हैं, शियर फोर्स निकालने की बात करते हैं। तो अब देखिए अगर हम फेस जो उसका दिख रहा है उसके राइट में जाएंगे, ठीक है, घट नहीं रहा, ओके देखिए, तो यहाँ से अगर हम लोग इधर की बात करेंगे तो एस एक्स निकालना है, सपोज यहाँ पे हमारा एक्स लग रहा है इंटरनल फोर्स, शियर फोर्स, तो पी किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे लग रहा है, मतलब पी अगर नीचे लग रहा है तो वो किस फोर्स हो गया, वो पॉजिटिव होगा, कोई भी यहाँ पे ऊपर की तरफ रिएक्शन नहीं दिख रहा है हमको, यहाँ पे सिर्फ एक ही लोड दिख रहा है राइट साइड में, दैट इज पी, और वो भी डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड में पी दिख रहा है, मतलब हमको इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नीचे की तरफ लग रहा है इसको हमको पॉजिटिव लेंगे, और एस एक्स बराबर जो होता है दैट इज समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इन इधर राइट और लेफ्ट डायरेक्शन, तो हम लोग यहाँ राइट ले रहे हैं, तो यहाँ पे जितना भी राइट डायरेक्शन में लोड है सबको सम कर देना है, तो जितना नीचे है उसको पॉजिटिव, ऊपर है तो नेगेटिव, तो यहाँ हमारा नीचे जो है सिर्फ एक ही लग रहा है पी, और ऊपर तो कुछ नहीं लग रहा है, तो हम लोग लेंगे प्लस पी, एस एक्स बराबर हमारा हो जाएगा प्लस पी, और कुछ होगा नहीं होगा, एस एक्स बराबर हो जाएगा हमारा प्लस पी, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, क्लियर है, ये आपका क्या है, इक्वेशन हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपका। अब एक चीज हमें समझना है कि अगर ये इक्वेशन इस तरह का हुआ है, ठीक है, तो ये किस तरह का इक्वेशन है, किस तरह का नेचर ये शो कर रहा है बताइए,
किस तरह का नेचर शो कर रहा है? कांस्टेंट नेचर इक्वेशन का, इक्वेशन का नेचर क्या है? कांस्टेंट। अगर मान लीजिए हम लोग लिख दें y बराबर c, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा है ना? कांस्टेंट। जब अगर हमारा ये y x सॉरी इसको हटाइए, अगर सपोज हमारा ये x एक्सिस है इस तरफ में और ये y एक्सिस है इस तरफ में, तो हमारा जो कांस्टेंट होता है इक्वेशन, तो कैसे लिखते हैं उसको? ऐसे करते हैं, ठीक है, याद आया? जो आप इक्वेशन करते थे सी डायरेक्शन पे, तो सीधा लाइन खींच दिया हमने कि y बराबर हमारा c हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो उस तरह का ये हमारा शियर फोर्स का डायग्राम भी जो बनेगा वो कांस्टेंट तरह का बनेगा, देखेंगे अभी हम लोग। तो चलिए, ये हमारा जो इक्वेशन आया वो कांस्टेंट टाइप का है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग x बराबर जीरो पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? प्लस पी। x बराबर l बाई टू पुट कर देंगे तो भी प्लस पी आएगा, x बराबर l पुट कर देंगे तो भी प्लस पी आएगा, ये थ्रू आउट द लेंथ चेंज ही नहीं करेगा, ठीक है। माइक्रोफोन जिसका बंद करो, तो पहले दो तीन लोग का माइक्रोफोन एक साथ चल रहा है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, नॉइज आ रहा बीच में। चलिए, तो क्या है, तो हमारा क्या है, ये प्लस पी निकल के आ गया, तो हमारा कोई भी पोजीशन पे जाएंगे हमारा शियर फोर्स इन दिस केस इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू पी, जो लोड है पी उसके बराबर हो गया। तो ये हमारा शियर फोर्स का इक्वेशन निकल के आ गया, और आप जब देखेंगे कि x पे भी जीरो, x बराबर l बाई टू पे भी जीरो, सॉरी x बराबर जीरो पे भी p, x बराबर l बाई टू पे भी p, x बराबर l पे भी p, तो ये क्या है आपका, इसको मान लीजिए x है, इसको मान लीजिए आप ये क्या है y डायरेक्शन है, ये जो दिया है आपको ये आपका y डायरेक्शन है, ये आपको x डायरेक्शन है। तो जो हमारा लोड सॉरी जो शियर फोर्स का वेरिएशन आप देख पा रहे होंगे वो किस तरह का दिख रहा है, कांस्टेंट टाइप का दिख रहा है, क्योंकि जो Sx है, Sx जो आ गया है आपका वो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो Sx इज इक्वल टू p। तो आप देखेंगे कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, p है, तो हम दोनों साइड में p लिख देंगे, दोनों साइड में क्या लिखेंगे, p, कहीं पे भी जाएंगे तो क्या लिखाएगा, p, तो उसका मैग्नीट्यूड p है। प्लस एक चीज ये देखना है कि हमारा जो शियर फोर्स है किस कैसा आ रहा है, नेचर क्या है, तो वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब ऊपर, नेगेटिव मतलब नीचे, ये भी ध्यान में रखना है आपको, पॉजिटिव मतलब ऊपर, नेगेटिव मतलब नीचे। तो हालांकि ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए हम इसको शियर फोर्स डायग्राम बोलेंगे, पॉजिटिव है, तो हमारा आपका ये जो एस एफ डी है यहाँ से बन जाएगा, ये हो गया आपको एस एफ डी। शियर फोर्स आप समझ गए, क्योंकि जो प्रेजेंट केस है इसमें हमारा जो शियर फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा और वो थ्रू आउट द पोजीशन ऑफ बीम वो क्या रहेगा, एक ही वैल्यू रहेगा, पी रहेगा। तो हमारा एक कांस्टेंट एक रेक्टेंगल सा बन जाएगा डायग्राम, और जो आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे इस तरह का कुछ रहेगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये किस केस में हुआ, जब कैंटिलीवर बीम पे हमारा एक ही लोड लग रहा है वो फ्री एंड पे लग रहा है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने की ओर। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन बनाएंगे, इसका इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है स्टेप थ्री में। तो आपने पढ़ा है साइन कन्वेंशन इसका भी, कि अगर फेस पे ये अगर इस तरह का सैगिंग आ रहा है तो हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, या तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा किस तरह का कोर्स आएगा वो देखना है, किस तरह का कोर्स आएगा। तो अगर इसको हम लोग क्या बोलेंगे इस तरह का है तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए लोड लगना है एक्स एक्स डायरेक्शन पे आइए, एक्स एक्स डायरेक्शन पे आइए। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लग रहा है मोमेंट किसका लग रहा है, सिर्फ एक पी के कारण है क्योंकि लोड यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए ये पूरा थ्रू आउट द लेंथ जो है सिर्फ एक ही पी लग रहा है, इसलिए बहुत ही आसान है इसको लाइक करना। तो हमने एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन एफ एक्स लिया है हमारा, हम क्या करेंगे तो हम लोग की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा इक्वेशन बने। तो एट सेक्शन एक्स एक्स एम एक्स क्या होता है आवाज कट रहा है सर, हेलो यस सर, सुन पा रहे हैं? सर आप बंद किए तो मैं आपको फिर से कटने लगा सर। हेलो यस सर, अभी आवाज आ रहा है? पहले काट रहा था लेकिन सर। हेलो बंद करो माइक्रोफोन को, बंद कीजिए। ठीक है चलिए, तो हमने क्या बोला था कि ये जो हमारा लोड है पी ये किस तरह का मोमेंट दे रहा है, ये डाउनवर्ड मोमेंट देगा पीछे की तरफ। देखिए इस तरह का इसका रोटेशन होगा, तो इसके कारण हमारा जो मोमेंट आएगा दैट इज पी इंटू एक्स। तो ये जो होगा डाउनवर्ड आ रहा है इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे, अगर ये अपवर्ड रहता तो इसको पॉजिटिव लेते, अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है इसको नेगेटिव लेंगे। तो ये जो आपका रोटेशन का डायरेक्शन है इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, जो आपका साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से। तो हम लोग क्या किए इसको लिख दिए एम एक्स बराबर माइनस पी एक्स। अब देखिए एम एक्स बराबर हमारा इक्वेशन बन गया माइनस पी एक्स, तो ये हमारा इक्वेशन किस तरह का इक्वेशन बन के आ गया, किस तरह का इक्वेशन है बताइए, लीनियर इक्वेशन दिख रहा है यस सर, क्या लीनियर इक्वेशन तो करेगा कैसे होता था वाई बराबर एम एक्स प्लस एम एक्स होता था ना वाई बराबर एम एक्स, तो एम एक्स जो है y बराबर mx क्या होता था एक लीनियर एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हुआ करता है मैथमेटिक्स में, तो उसी तरह का ये एक इक्वेशन बनेगा एम एक्स बराबर माइनस पी एक्स, मतलब जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा वो माइनस में आएगा हमारा, ठीक है, कहने का मतलब वो क्या होगा नीचे दिखेगा आपको। चलिए अगर हम लोग इसमें x का वैल्यू अगर अलग अलग पुट करके देखें तो क्या आएगा मोमेंट, x को जीरो पुट कीजिए एक बार तो mb आ जाएगा, क्योंकि x जो है हमारा यहाँ है इसको जीरो पुट करेंगे तो mb पे मोमेंट निकल जाएगा, l by 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे मोमेंट निकल जाएगा, अगर l पुट करेंगे तो यहाँ पे मोमेंट निकल जाएगा, x बराबर l by 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा, x बराबर 3 l by 8 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से किसी भी पोजिशन पे आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एक ही लोड लग रहा है, इसलिए ठीक है हर केस में ये नहीं होगा। एम एक्स बराबर माइनस पी एक्स हुआ, एक्स बराबर जीरो तो एम बी जीरो हो गया, एक्स बराबर एल हुआ तो हम लोग ए पे पहुंच गए, तो एम ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस पी इंटू एल। अगर हम लोग एक्स बराबर एल बाई टू पुट कर रहे हैं तो सेंटर पे आ गया बीम के, तो बीम के सेंटर पे माइनस पी एल बाई टू। तो चलिए इसको हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं, तो हमारा सपोज किस तरह का डायग्राम बनेगा यहीं पर बना के देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारा इस तरह का आपको लाइन है।
अब क्या है, ये लीनियर है, लीनियर कहने मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होगा, ये जब भी होगा स्ट्रेट लाइन होगा। हालांकि ये क्या हो रहा है कि चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा जीरो आ रहा है बी पे, जो बी है आपका बी पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होगा कि इसका अगर वाई, ये मान लीजिए वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, तो जो ऊपर होता है उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और जो नीचे होता है उसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं। यहाँ पे किस नेचर का आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो जो निगेटिव आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे की डायरेक्शन में चलेंगे, नीचे के डायरेक्शन में हमारा ये यहाँ से बढ़ेगा ऐसे नीचे माइनस की तरफ। तो देखिए कि हम लोग यहाँ से ए पे बी पे आएंगे तो जीरो हो गया, अगर हम लोग सी पे आते हैं, मान लीजिए हमारा पे यहाँ पे कुछ सी होगा, ये सी है सपोज एल बाई टू पे, तो हमारा यहाँ कितना है सी एल बाई टू कुछ यहाँ पे आएगा क्या, मान लीजिए अगर हम यहाँ बोलते हैं यहाँ पे आएगा तो ये आएगा आपको, ठीक है यहाँ पे आएगा एक पॉइंट ये बनेगा। अगर हम लोग एल पे जाते हैं तो माइनस पी बाई एल, मतलब और ये यहाँ बढ़ के आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आके और दोगुना हो जाएगा, मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इन तीनों को अगर हम मिला देंगे, ठीक है इसको अगर हम मिला देते हैं यहाँ से लेके, और ये एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, एकदम स्ट्रेट होगा, जो कि इसका आपका नेचर आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसलिए बनाने में दिक्कत हो रही है, जिगजैग नहीं होगा, पूरा स्ट्रेट होगा। इसको हम लोग फिगर से देख लेते हैं, इसी तरह से किया गया, देखिए तो ये जो होगा यहाँ जीरो हुआ, पी पे आ गया पी एल बाई टू और यहाँ आ गया पी एल, और इसको हम लोग माइनस जरूर लिखेंगे, यहाँ माइनस नहीं लिखा हुआ है, इसको माइनस लिखना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, और ये माइनस में आएगा तो इसको हम लोग कहीं पे भी माइनस लिख के इसको ये कर देंगे, ये माइनस है, ठीक है। तो इस तरह का आपको जो बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे बीएमडी, बी एम और डी, ये हमारा बीएमडी हो गया इस केस में। तो इस तरह से हम लोग क्या किया, तीन स्टेप में ही, चौथा स्टेप कहने का मतलब ये था कि आप ड्रॉ करिए डायग्राम को। तो बेसिकली तीन स्टेप है, जिसमें एक रिएक्शन निकालना है, एक आपको शियर फोर्स निकालना है, एक आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ये गलत था। तो क्लियर हो गया ये चीज, एसएफडी बीएमडी निकल गया सबका, यस केस है, तो एक केस है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होगा ये चीज, लेकिन इसको अभी से समझने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, बेसिक वो क्लियर कर लीजिए जितना अभी तक पढ़े हैं आप लोग, और वो क्लियर रहेगा तो आपको आगे कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। वन बाई वन हम लोग हर चीज सीख लेंगे, पहले यहाँ तक आप लोग एकदम ये कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, इसको आप जितना बार पढ़ना है तो रिपीट पढ़िए, ठीक है, इस चीज को यहाँ तक पढ़िए, और हो सके तो इसके आगे भी कोशिश कीजिए कि कैंटिलीवर बीम है उसके सेंटर में पी रहेगा तो क्या होगा, उसके यूडीएल पूरे थ्रू आउट रहेगा तब क्या होगा, या यूडीएल किस कुछ पार्ट में तब क्या होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग सिंपली सपोर्टेड बीम भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग कुछ केस है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ आपको बताएं, एक कुछ दिन बीम के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, एक और टाइप का बीम आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम जो है उसका भी आपको कुछ एनालिसिस करना है। तो ओवर हैंगिंग में कुछ नहीं है, मान लीजिए जो हमारा सपोर्ट है उससे आगे आगे चला गया, जैसे कैंटिलीवर तरह का देखते हैं आप, तो मान लीजिए कंटिन्यूस बीम है या सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये थोड़ा आगे बढ़ गया, ठीक है, मान लीजिए बीम का लेंथ ज़्यादा है और हमारा इस तरह से है, ओवर हैंगिंग की बात कर रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पे भी कुछ लोड लग रहा है, तो ये सब जो केस आएगा, मान लीजिए इस तरह कोई बीम का केस आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवर हैंगिंग बीम। तो ये तो इस सब केस भी एनालाइज हम लोग करेंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, यही पार्ट ऑफ इसका ही पार्ट है, हम लोग इसको भी एनालाइज करके शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी हो गया है, ठीक है, थैंक यू।